आज का टॉपिक है जजिंग ऑफ डेरी काउ। भाई स्कोर कार्ड मेथड जो हम सिलेक्शन करते हैं डेरी एनिमल्स का, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है एक स्कोर कार्ड होता है, उस स्कोर कार्ड के द्वारा हम डेरी एनिमल्स का जजिंग करें, सेलेक्ट करेंगे जो है कि हमको जो है 10-20-50 गाय हैं, तो उनमें से अगर 2-3-4 अगर गाय हमको सेलेक्ट कर लिए तो उसको हम स्कोर कार्ड मेथड से, उसमें हर एक बॉडी पार्ट होता है, उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और फिर वो जो है गाय है उसको उस मैक्सिमम मार्क्स में से कितने नंबर मिलते हैं, इस आधार पर हम इसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के लिए हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि अगर एनिमल 75% मार्क्स स्कोर करता है, 75% मार्क्स आते हैं, तो ही उसको हम सिलेक्शन के लिए काउंट करेंगे। 75% से कम नंबर पाने वाले गाय को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी गाय जिनके मार्क्स 75% से ऊपर है, 70% है, 95% है, 90 है, जो भी है, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड हम रैंक देंगे। जैसे हमने उससे ऊपर का जो है 5 से 6 गाय हैं उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कर दिया, और हमको सेलेक्ट करनी है केवल 2, तो उसमें से फर्स्ट 2 जो है उनको हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये स्कोर कार्ड मेथड कराते हैं। तो स्कोर कार्ड मेथड में जो है इसका जो पर्पज़ है सिलेक्शन ऑफ डेरी काउ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी करेक्टरिस्टिक। इसमें जो हम सिलेक्शन करते हैं हमारे पास और कोई चीज़ का आधार नहीं रहता, केवल उस जो गाय है हमारे सामने खड़ी है उसके बॉडी पार्ट के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है ये जो है, जब आपका कोई पेडिग्री रिकॉर्ड नहीं हो या आपका कोई मिल्क प्रोडक्शन का भी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में सेलेक्ट कैसे करेंगे? पेडिग्री को में जैसे उसके माँ बाप का, भाई बहनों का, इस तरह से कोई उसका प्रोडक्शन रिकॉर्ड होगा तो हम समझते हैं, एक मोटा सा आइडिया लग जाता है कि इसका भी जो है प्रोडक्शन परफॉर्मेंस इसकी इस तरह की होगी, लेकिन वो हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं, और ना ही हमारे पास उसका प्रोडक्शन रिकॉर्ड है कि उसने पहले ब्याह में या दूसरे ब्याह में कितना दूध दिया, तो वो हमारे पास कुछ है नहीं। तो हमारे पास केवल उसके बॉडी पार्ट के आधार पर ही सिलेक्शन करने का एक जरिया बचता है। तीसरा है कि यह सिलेक्शन का क्विक मेथड है, तुरंत इससे सिलेक्शन कर लेते हैं। पेडिग्री रिकॉर्ड में या जो प्रोजनी उसके रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखते हैं तो उनका रिकॉर्ड निकालो, रिकॉर्ड के हिसाब से फिर उसका जो है डाटा कलेक्ट करो, डाटा से फिर उसका कैलकुलेशन करो, तब जाकर निकल के रिजल्ट आता है। इसमें आपके जो है 10-20-50 गाय जो है आपके सामने खड़ी है, उनको आप क्रम से खड़ा कर लीजिए, उनके लिए नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या आपका ABCDEFG कोई सा भी नंबर आप दे सकते हो उसको, और उसमें फिर उनको जो है उसके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से उसको हर एक पार्ट के मार्क्स देके उसका जो है टोटल कर लेते हैं, और ये आपका इसको कार्ड मेथड। नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट। जो इस मेथड से जो हम सिलेक्शन करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या जो है पहले सुविधाएँ होनी चाहिए या क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले है जो गाय है उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हो कि ये बॉडी पार्ट्स क्या है। जैसे मिल्क मिरर है जिसको एस्कल्सियन कहते हैं, तो ये क्या है, और जैसे आपका बैरल है, टीट है, मिल्क मिरर है, मिल्क वेन है, तो ऐसे जो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका खास तौर से मिल्क प्रोडक्शन से रिलेशन है, वो तो है ही, इसके अलावा उसके फीड कैपेसिटी कितनी होगी, उसका डाइजेशन का जो है सिस्टम किस तरह से होगा, तो वो हम बॉडी के साइज वगैरह से हम ये मालूम करते हैं। तो इसलिए हर पार्ट का हमको नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद में जो व्यक्ति है उसको जो सिलेक्शन कर रहा है किस आधार पर, बॉडी पार्ट के आधार पर, उसको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का उस एनिमल के
मिल्क प्रोडक्शन परफॉर्मेंस से क्या कोरिलेशन है। अगर कोई पार्ट जैसे ज़्यादा बड़ा है तो उससे मिल्क प्रोडक्शन घटेगा या ज़्यादा या कम होगा, या कोई पार्ट जो भी उसकी परफॉर्म साइनिंग है उसके आधार पर देखते हैं, लेंथ है, जिगजेस जैसे मिल्क वैन है तो उसके जिगजेस है, उसको प्रोमिनेंट ओवरी हुई है कि कैसी है। तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इस तरह का बॉडी पार्ट है तो उससे उस एनिमल की प्रोडक्शन परफॉर्मेंस से क्या संपर्क हो गया, क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है। तो ये संबंध के आधार पर हम उसका सिलेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी बंदा इसको सिलेक्शन करेगा उसके माइंड में एक आइडियल काव का, जो डेरी काव है आइडियल, उसका फिगर उसके दिमाग में होना चाहिए। मान लो उसके हम ये सिलेक्शन करा रहे हैं और उसमें बहुत सारी जो है गाय हैं, उसको यही पता नहीं है कि होलिस्टिक फ्रीजन का साइज क्या है, कौन सा उसके करैक्टर किस तरह के हैं, जर्सी के करैक्टर किस तरह से हैं, गिर के किस तरह के हैं। तो जब तक उसको उसके बारे में पूरा आइडियल के ए ब्रीड है, कोई सी ब्रीड है जैसे ग्रह है, गिर नस्ल के कैसे सीम होंगे, कैसे कान होंगे, कैसा गलकम्बल होगा, कैसा बैरल होगा, कैसे टीट होंगे, तो ये उसके हर एक जो है ब्रीड्स के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। फिर हम खास तौर से ये ध्यान रखते हैं कि जब हम ये सिलेक्शन करते हैं तो उस सिलेक्शन के समय हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एनिमल हैं वो एक ब्रीड्स के, जो ब्रीड्स है नस्ल है उसकी, अगर हमको सिलेक्शन करना है गिर का तो वो सारे एनिमल ग्रीन नस्ल के ही होने चाहिए। हमें सिलेक्शन करना होलिस्टिन फ्रीजन में से तो वो सारी गाय हैं वो होलिस्टिन फ्रीजन ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चार जर्सी हैं दो होलिस्टिन फ्रीजन हैं, आपकी पांच गिर हैं, दूसरे 10 आपकी राठी हैं, तो इनके हरेक का प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, हरेक का बॉडी साइज, हरेक का बॉडी पार्ट वो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से होगा, तो उनके बीच कंपेरिजन नहीं किया सकता। होलिस्टीन आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपकी जो है ये राठी है उसका थोड़ा कम है, तो वो तो वैसे ही सारी सारी सेलेक्ट हो जाएगी। जो लोएस्ट कैटेगरी की अगर होलिस्टीन फ्रीजन है वो भी इसके कंपेरिजन में, राठी के कंपेरिजन में वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो नस्ल हमारी एक, दूसरा एज ग्रुप भी लगभग समान हो। एक ऐसा नहीं हो कि एक गाय तो ऐसी है जो पहली बार ब्याई हुई है, एक गाय ऐसी है जो चार बार ब्याई हुई है, और एक गाय ऐसी है जो बुढ़ी हो रही है बिल्कुल, जो 6-7 बार की ब्याई हुई है। तो एक की उम्र मान लो 5 साल है, एक की 15 साल है, तो जो 15 साल वाली है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन लाइफ भी बहुत कम रह जाती है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। और जो फर्स्ट काविंग में है, पहली बार जो गाय ब्याई है, उसके जो है बाकी के हमें सब जो है मिल्क के जो प्रोडक्शन मिलेंगे, लैक्टेशन उनको मिलेंगे, वो सारा सारा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए सेम नस्ल की हो और सेम ब्रीड की हो, ये हमें जो है उसकी एज ग्रुप की हो, तो ये हमें